बात तो है, जब भी हम कोई ऑफ रोड व्हीकल के बारे में बात करते हैं तो खास करके इंडिया के अंदर जिस गाड़ी का नाम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दोस्तों, वो है महिंद्रा थार। और जब हम बाइक के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड का नाम ना आए ऐसा कदे नहीं हो सकता। और ऐसे में रॉयल एनफील्ड हिमालयन एक बजट के अंदर बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडिंग टू व्हीलर बोल सकते हो बाइक या फिर जो एडवेंचर बाइक वगैरह रहते हो इन सेगमेंट बेहतर मानी जाती है। और जैसे कि दूसरा आता है KTM के तरफ से 650, बट उसका जो प्राइस है काफी महंगे है, या फिर 250 अगर आप लेते हो तो। इसलिए जो दोस्तों बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड हिमालयन को प्रेफर करते हैं। हो सकते इसका जो लुकिंग है कैपेबिलिटी से कि यानी कि जो टॉर्क मिलते हैं ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाई टॉर्क आपको मिलते हैं बॉडी टू वेट रेशियो, हालांकि पावर में उतनी ज्यादा आपको जो पंच नहीं मिलने वाला है जो कि आपको BMW के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो भी हो यहाँ पर इसका न्यू अवतार आने वाला है हिमालयन 452, इसका कोड नेम रखा गया है। ये ऑफिशियली तौर पर मेंशन नहीं है, मैं दोबारा यहाँ पर आपको सेम चीजें बताना चाहूंगा, ये ऑफिशियली तौर पर मेंशन नहीं है, ये बहुत सारे ट्रस्टेड वेबसाइट बता रहे हैं। बट हो सकता है 450 नाम से ही आए, बट जो इंजन इसके अंदर लगाए गए हैं वो 452 सीसी का हो, इसलिए 452 ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसका डीजल लैंग्वेज से। जैसे कि पता है आपको हिमालयन का एक कोर रहता है एक रेट्रो लुकिंग के साथ जो एक एडवेंचर का जिस तरीके से आप एडवेंचर बाइक देखते हो हीरो एक्सप्रेस, तो उसका एक चीजें आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नजर में आया क्योंकि डेफिनेटली है जो दोस्तों एक ऑफ रोडिंग टू व्हीलर मोटरसाइकिल। तो इस बार जो है दोस्तों डिजाइन कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, तो आपको जो है काफी सारी चीजें यहाँ पर न्यूली देखने को मिलेंगे एंड ये बहुत ही जल्द यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। इस बार जो इंजन दिया गया है इसके अंदर DOSC सेटअप कोयल इंजेक्टेड इंजन, तो इससे पहले जो है दोस्तों एयर कूल इंजन देखने को मिलते थे, तो DOSC बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन फ्री स्मूथ इंजन होते हैं एंड जो पावर ट्रेन है डेवलप क्लोज टू 40 BHP, तो काफी ज्यादा पावर में भी इंक्रीज किया गया है एंड जो टॉर्क है टॉर्क में भी काफी ज्यादा करी जाएंगी, जो 35 Nm से ज्यादा ही टॉर्क यहाँ पर देखने को मिला जो कि कॉन्फर्म तो नहीं है। एंड जो प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिले 2.6 लाख एक शोरूम इंडिया के अंदर आप दिल्ली शोरूम पे या प्राइस देखे तो ऐसे प्राइस में लॉन्च होना डिपेंडिंग ऑन कौन सा सिटी में आप रहे, तो कोलकाता या फिर दूसरे सिटी में हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस का अंदर ज्यादा देखने को मिले। तो KTM 390 एडवेंचर BMW GS 310 जैसे मैंने पहले आपको बताया था, तो इसका मेन राइवल होने वाला है। साथ साथ ट्रैम का जो है स्क्रैम्बलर आने वाला है 400X, तो उसका भी मेन कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत जो डायमेंशंस है डायमेंशंस के बारे में बात कर लीजिए। तो ये जो गाड़ियाँ है दोस्तों टोटल, सॉरी भाई मैं गाड़ी का वीडियो बनाता इसलिए गाड़ियाँ मेरे मुंह से बार बार छूट रही है, तो 2245 mm टोटल इसका लेंथ है एंड जो विड्थ है यानी कि चौड़ा 852 mm, जो कि हाइट अगर हम देखें टोटल यहाँ पर हैंडल बार को लेकर 900 mm जो कि हैंड गार्ड है एंड साथ साथ हाइट 1315 mm। तो बॉडी टू जो वेट रेशियो है या अगर ऐसा वेट रहे जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया 394 किलो, तो इतना ज्यादा भारी वर्क हम वेट कभी भी नहीं रहेगा क्योंकि सेंस नहीं बनाते, ये बाइक है दोस्तों, ये कोई फोर व्हीलर नहीं कि 100 kg वेट एक्सटेंड कर दोगे तो भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आता है जो पावर फिगर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है वहां पर भी आपको देखने को वो चीजें मिलती है। तो जो भी हो या मेरे हिसाब से 199 kg या फिर अगर ज्यादा भी होंगे 201-202 kg के आसपास, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो जो है इसका वेट रहने वाले है एंड जो मैक्सिमम 8000 RPM में जो है आप जो है मेन इसका ताकत आपको भर भर के आएगी इस बार क्योंकि इसके अंदर जो नया इंजन इंस्टॉल करी जा रही है एंड जो ब्रेकिंग सिस्टम के साथ थोड़ा बहुत अपडेट किया जा रहा है, जो ABS का नया वर्सन आएगा एंड साथ ही साथ जो है 21 इंच के फ्रंट व्हील आपको देखने को मिलेंगे एंड जो रियर व्हील है 17 इंच के एंड थोड़ा यहाँ पर जो है बाइक बल्की हो गई है सामने से अगर आप देखें, थोड़ा जो एरोडायनामिक के तरफ यहाँ पर ध्यान दिया गया है। तो ऑल न्यू LED हेडलैम्प्स के साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर छोटी छोटी जो चीजें होती है यानी कि जो टेकोमीटर वगैरह तो उसको अपडेट किए जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कब यहाँ पर ये ब्रांड लॉन्च करती है। आई थिंक ऑटो एक्सपो के द्वारा अगर ये बार आनवील होती है तो बहुत ही ज्यादा बेहतर चीज निकल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से खूब सारा शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी तरह अपना सपोर्ट को बरकरार रखिए। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, इंदिरा।